दोस्तों हजरात, एक हैदराबाद में एक साहब है जिनके बेचारे जब मुंह खोलते कुछ ना कुछ जो है नाजायज औलाद, हमारी औलाद, हमारी औलाद बोलते रहते बेचारे। उनको क्या बोलना भाई, उनके वालिद का नाम पूछे तो उन्होंने नहीं बोलते। पूरे हैदराबाद को उनके जो है वालदा का नाम मालूम है, उनका नाम मालूम, उनके वालदा के नाम से जो है कम्युनिटी हाला भी बने। रानी अवंतिका भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मुंह खोले बेचारे बोल देते नाजायज औलादा, नाजायज औलादा बोल देते बेचारे। अब हम कुछ भी बोले तो फिर बुरा मान जाते, फिर वीडियो बना देते, फिर जो है तमाशा कर देते बेचारे। मगर एक बात मेरे को समझ में ये नहीं आती भाई साहब, इनकी नवाब साहब की बात मेरे को समझ में नहीं आती। आखिर नवाब साहब की उर्दू इतनी फंसी कैसा है? यानी बेचारा इतनी अच्छी उर्दू बोलता, इतनी अच्छी उर्दू बोलता। नहीं, मेरे भी बहुत सारे हिंदू दोस्ता हैं जो कि जो है बेचारे उर्दू बात करें तो थोड़ा सा उन की उर्दू में समझ में आ जाता है कि बेचारे को यार थोड़ी उर्दू कमी है इसकी उर्दू के अंदर बोल के। लेकिन हमारे गोशा महल के रुकने असेंबली नवाब साहब की जो है इतनी प्यारी उर्दू है, वो असल उर्दू उनकी इस वास्ते है क्योंकि जो सोबतें हैं उनको सोबतों से जो असर मिला। यानी बोलते ना कि तू नहीं तेरा खून बोल रहा है, बोलता ना वो वैसे ही है वो, कि उनकी उर्दू इस वास्ते बहुत अच्छी है। मुंह खोले तो बेचारे जो है कुछ ना कुछ बोल देते। अब जिसको देखो उसको जो है हमारी नाजायज औलाद, हमारी नाजायज औलाद बोलते। भाई चल ठीक है, तू तेरे वालिद का नाम बोल दे ना। अरे भाई तेरे वालिद का नाम क्या है? नवाब साहब आपके वालिद साहब का नाम क्या है जरा बोलो ना प्लीज। हैदराबाद फिर परेशान है कि आपके वालिद साहब का नाम क्या है। कहेंगे हमारे नौजवान बच्चे इंटरनेट पर जाके भी सर्च कर रहे तो मिल रहा नहीं नवाब साहब। तो जरा आपसे गुजारिश है कि अपने वालिद का नाम जो है आप बताइए। और आप बेचारे चुप मुंह खोलते किसको भी जो है नाजायज औलाद, नाजायज औलाद, नाजायज औलाद बोल देते। वो इतना असर गई को कर रही नाजायज औलाद चुप, इनको इतना छुरी गई को, मेरे को समझ में नहीं आता। वो इस बात पर नहीं आता क्योंकि बस्ती में एक घर में चोरी हो गई थी, कहते एक घर में चोरी हो गई थी बस्ती में। तो जब से वो घर में चोरी हुई तो घर वालों को इतना गुस्सा है कि बस्ती के किसी भी घर में चोरी हो उनको बहुत सबसे ज्यादा गुस्सा आता। तो नवाब साहब ये क्या माजरा है जरा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पब्लिक के अंदर टेरिफाई करो। और जहां तक बात रही है कि आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलर मुल्क के अंदर मुझे एक हमारे बहुत प्यारे अजीज दोस्त है इमरान प्रतापगढ़ी, उनका एक शेर भी यहाँ पे याद आ रहा है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे तुमको हकीकत से रूबरू करके। प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होती, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। कि अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई अगर जो है एक गेरुए कलर का या जाफरानी कलर का अगर शमला पहन लिया, पगड़ी पहन लिया, तो उस पर आपको एतराज क्यों हो रहा भाई? ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि कोई भी मुसलमान गेरुआ पहन सकता। अगर आप ही हकीकतन हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान से बेहद आप मोहब्बत करते हैं तो कल से आप गेरुई टोपी उतार दीजिए, हरी टोपी पहन लीजिए। क्योंकि हरी टोपी भी पहनना वो भी हिंदुस्तान का ही कलर है, जैसा गेरुआ हिंदुस्तान का कलर है, तो आप हरी पहन लीजिए। तो हम भी बोलेंगे वाकई भाई बेचारा जो है हिंदुस्तान से बेहद मोहब्बत करता बोलेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान क्या है, हर एक का मुल्क है, वो किसी के एक का मुल्क नहीं है, कोई खाली नवाब साहबों का मुल्क नहीं है। वो जो है हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि वो उसके अंदर नवाबा भी रहते हैं, राजाएं भी रहते हैं, रानियां भी रहते हैं, उसके अंदर जो है हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर रानियों को इस्तेमाल करने वाले भी रहते हैं। नवाब साहब बुरा नहीं मानना, बस इतना बता दो वालिद साहब का नाम क्लैरिफाई करो नेट पे आके। क्योंकि एक बड़ी जेर कश्त है बात, एक ऐसी जेर कश्त बात है कि नहीं नहीं भाई, अगर एक मुसलमान अगर कोई गेरुआ कलर पहना तो उस पर एतराज क्यों करना चाहिए? तो मैं भी बोलता हूँ, एक हिंदू अगर हरा कलर पहना तो उस पर एतराज क्यों करना चाहिए? उस पर भी नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तानी है तो सब कुछ करना चाहिए। एक मुसलमान गेरुआ पहनना चाहे तो हिंदू जो है हरा भी पहनना चाहिए, वही तो हमारे मुल्क की खूबसूरती है। तो नवाब साहब आपसे गुजारिश है कि चुप नाजायज औलाद, नाजायज औलाद का इस्तेमाल मत करिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बचपन में कोई बोले थे होंगे कि नाजायज औलाद, उसकी तकलीफ आज तक भी आपको होती, जवानी तक भी उसका असर बाकी है। अब जवानी तो नहीं रही आपकी क्योंकि आप मेरे साथ ही जो है कॉर्पोरेटर बने थे 2009 के अंदर नवंबर के महीने के अंदर, तो आप जब मेरे से थोड़े से बड़े थे। तो आपसे गुजारिश है नवाब साहब कि बराए करम मेहरबानी आप अपने वालिद का नाम बता दीजिए और इस बात को साबित करिए कि आप नाजायज नहीं हैं।